ऑटोमेटिक राइटिंग वैसे तो देखा जाए बहुत ही पुरानी टेक्निक है, और आप लोगों में से कई लोगों ने शायद सुना भी होगा। खुर्शीद भावनगरी जी जो थी, उनके एक्चुअली शी लॉस्ट बोथ हर सन्स इन एन एक्सीडेंट। बहुत ही यंग एज में उन्होंने उन्हें लूज कर दिया था। तो उनको एक उनका फेथ बहुत था भगवान पे, तो उनको हमेशा ये लगता था कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तो उनको इस चीज को लेके बहुत सारे डाउट्स थे अपने मन में, और वो किसी ना किसी तरह अपने बच्चों से कनेक्ट करना चाहती थी। सो दैट इज व्हेन उनके पास कोई उनके नेबर आई और उन्होंने बताया कि कोई मीडियम है जो आपको कुछ बताना चाहती हैं अपने आपके बच्चों के बारे में। तो उन मीडियम ने बताया कि आपके बच्चे आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस थोड़ी सी रेज करनी पड़ेगी। तो जब उन्होंने मेडिटेट करके अपना वो क्लेंजिंग वगैरह करके वाइब्रेशंस रेज की, देन शी वॉज एबल टू कनेक्ट टू हर चिल्ड्रन वाया ऑटोमेटिक राइटिंग। और ये चीज उन्होंने स्टार्ट तो इंडिया में की थी, और धीरे धीरे करके इसको उन्होंने फैलाया भी। लास्ट इट वॉज इन कैनेडा वेयर शी वॉज सीन, और अभी भी वही जो उनकी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी थी, बिकॉज उन्होंने बुक लिखी थी वाया ऑटोमेटिक राइटिंग, दैट बुक इज इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बाय खुर्शीद भावनगरी। तो वो बुक अभी भी मार्केट में मिलती है। तो उसमें उन्होंने खुद बताया था कि कैसे शी यूज टू कनेक्ट एंड हाउ दे यूज टू टेल हर व्हाट टू राइट। तो इनिशियली अगर आप देखेंगे तो लेटर्स जो है वो वैसे नहीं आते जैसे हम यूजुअली लिखते हैं। जब आप अपनी ही राइटिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाउ कुड दिस बी, माई राइटिंग इज नॉट दिस वे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपको समझ में आने लगता है कि ये आपकी राइटिंग नहीं है, ये वो एनर्जी कन्वे करना चाह रही है जो आपसे कनेक्ट कर रही है। अब कन्वे करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कई लोगों को डायरेक्ट दे आर मेड टू राइट, कई लोगों को क्या होता है उन्हें कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है और जो सुनाई देता है वो लिखते जाते हैं। तो जिनका ये पार्ट एक्टिव होता है हम उन्हें बोलते हैं क्लेयर ऑडियंस, क्योंकि हम सबके क्लेयर्स होते हैं और बस ये है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो जिन लोगों को चीजें सुनाई देती हैं और वो उसे पेन डाउन कर पाते हैं, दैट इज क्लेयर ऑडियंट है वो। अगर किसी को विजन दिखाई दे रहा है, कुछ विजन्स आ रहे हैं, फ्लैशेस आ रहे हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि वो क्लेयर वॉयंट है। वॉयंट होना उसको विजन्स दिख रहे हैं। तो ये बेसिक क्लेयर्स हैं जिनके थ्रू हम देखते हैं। द बुक इज लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, यस इट इज रिटन बाय खुर्शीद भावनगरी जी, राइट। सो जैसे हम क्लेयर्स अपने आइडेंटिफाई करते हैं तो जो क्लेयर हमारा एक्टिव होता है वो और ही ज्यादा ब्रॉड होता जाता है, एंड देन वी आर एबल टू रिसीव मैसेजेस, एंड देन वी आर एबल टू इंटरप्रेट मैसेजेस एज वेल, राइट। तो अब इसका क्या रिलेशन है ऑटोमेटिक राइटिंग से? कंटेंट आपको मैं इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। लेट्स गेट टू द इंट्रोडक्शन के ऑटोमेटिक राइटिंग है क्या। ऑटोमेटिक राइटिंग कुछ और नहीं है, एक तरीके की कला है जिसमें आप दूसरे इंटेलिजेंसेस के थ्रू आप राइटिंग एड्स को यूज करके एक ऑल्टर्ड या मेडिटेटिव स्टेट में कुछ लिखते हैं। अब इसको मैंने बोला कि आर्ट है, और दूसरे इंटेलिजेंसेस इसलिए बोला क्योंकि देखिए जो हमारे फिजिकल इंटेलिजेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन्हें हम बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं,
फोकस अपनी ब्रीदिंग पे ले आते हैं और हम एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब जब हम अपनी जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है उससे रिलेटेड इंद्रियों को शांत करते हैं या कंट्रोल करके अपने ऑल्टर या सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, तो हम उस स्टेट में होते हैं जहाँ हम अपने हायर सेल्फ से मिल पाते हैं, जहाँ हम दूसरे इंटेलिजेंस को यूज कर पाते हैं। जो लोग इस आर्ट को करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, एक राइटिंग टूल, पेन हो या पेंसिल हो, कुछ भी हो वो, और एक साफ कोरा पेपर आप अपने पास रखेंगे या कोई नोटबुक रखेंगे, और फिर आप खुद को सरेंडर करते हैं, आप अलाउ करते हैं कि आप चैनल बन जाएं, और फिर आपके कम्युनिकेशंस दूसरे एनर्जी से आने लगते हैं। इस राइटिंग को ऑटोमेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता। उसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी आंख बंद करके अपनी फिंगर से टेबल सरफेस या जहां भी आप बैठे हैं उस सरफेस पे आप कुछ भी लिखिए जो आपके मन में आ रहा है, एनी कलर एनीथिंग, तो आप अपनी आंख बंद करके भी जैसे फिंगर्स मूव करेंगे ना, आपका ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर लेगा बिकॉज यू आर यूजिंग योर मोटर स्किल्स, और हमारे रिसेप्टर्स ब्रेन को कम्युनिकेट कर देते हैं हम क्या कर रहे हैं। अभी हम अगर इसको ऑटोमेटिक राइटिंग से कंपेयर करें तो ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है, मोर देन हाफ ऑफ द टाइम आपको नहीं पता कि आपका पेन चला भी या नहीं, आपको कई बार नहीं पता होता, आपको लगता है कि आपका हाथ तो हिला ही नहीं, और जब आप आंख खोल के देखते हो पेपर पे तो देर आर सर्टन पैटर्न्स दैट आर ड्रॉन, या कुछ लिख दिया या कोई ड्रॉइंग सी आ गई। तो ये कैसे हुआ, दिस हैपेंड इन एन ऑल्टर्ड स्टेट जहां आपका लॉजिकल ब्रेन कनेक्टेड नहीं था, अगर वो कनेक्टेड होता तो आपको पता चल जाता कि आपने क्या लिखा है, पहले से ही पता रहता वो, है ना। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। आप एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट कर जाते हैं जिसके थ्रू आप या जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और राइटिंग वो करते हैं, इन द सेंस वो एनर्जी आपको गाइड करती है, या कई बारी आपका हाथ पकड़ के वही लिखते हैं। तो उस स्टेट में यू आर नॉट अवेयर, आपको नहीं पता कि आपने ए बनाया, बी बनाया, या आपने चंद्र बिंदु लगाया, या आपने कहाँ कौन सी मात्रा लगाई, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब तक वो ऑल्टर्ड स्टेट खत्म होगी उसके बाद जब आप रियलाइज करोगे तो आपको दिखता है कि अच्छा पेपर पे ये ऐसे बन गया। ओके, सो दिस इज एक्चुअली ऑटोमेटिक राइटिंग।